में लौट आया और पोको ने इंडिया में अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है पोको M3 Pro 5G। आज इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे, कैसा ये फ़ोन है, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसमें प्रोज और कॉन्स हैं और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के डिज़ाइन से। फ़ोन में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है विद ग्लोसी फिनिश और ये जो फिनिश है देखने में बहुत बढ़िया लगता है, आपको प्रीमियम सा फील प्रोवाइड करवा देता है। साथ ही में इस फ़ोन में आपको 3 कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है डार्क ग्रे, येलो और ब्लू। अब क्योंकि फ़ोन का बैक बहुत ग्लोसी है, शाइनी फिनिश और इसमें देखने को मिलती है तो इसमें जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं वो बहुत तेज़ी से पड़ने लग जाते हैं। साथ ही में इसमें जो आपको कैमरा हम्प है वो भी डिसेंट साइज का देखने को मिलता है और जो कैमरा मॉड्यूल है उसके नीचे एक थिक सी स्ट्रिप डाली हुई ब्लैक कलर की जिसमें पोको ने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है और देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर इस फ़ोन की मैं सिम ट्रे की बात करूँ तो इसमें आपको एक हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन में फिजिकल ओवरव्यू की। फ़ोन के लेफ्ट तरफ आपको केवल सिम ट्रे देखने को मिलती है, राइट तरफ एक पावर ऑन ऑफ बटन, साथ ही में उसी पावर ऑन ऑफ बटन में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है यानी कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम लॉकर्स देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट की तरफ। और अगर टॉप पे बात करूँ तो टॉप में फ़ोन के आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है और एक 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ फ़ोन में स्पीकर ग्रिल दी हुई है, एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है और प्राइमरी स्पीकर नीचे की तरफ ही देखने को मिलते हैं इस फ़ोन में। अब ये जो फ़ोन है इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं बताई गई है कि किस IP रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ोन में कोई भी प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप यूज़ करें, ना इसमें कोई डस्ट रेजिस्टेंस का बताया गया ना ही वाटर रेजिस्टेंस का बताया गया, तो ज़रा फ़ोन को ना समझ के यूज़ करना। बाकी जो फ़ोन है वो हाथ में पकड़ने में काफ़ी बढ़िया लगता है, देखने में काफ़ी आई कैची लगता है और साथ ही में आपको प्रीमियमनेस भी फील करवा देता है। बात कर लें फ़ोन की डिस्प्ले की, तो फ़ोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, 405 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है और साथ में इसके बीजल्स वगैरह को मिला करके आपको इस फोन में 83.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। फ़ोन में कोई भी HDR प्लेबैक का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है और फ़ोन में आपको Wire 1 L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिस वजह से आप OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Netflix और Amazon Prime पे HD में वीडियोज स्ट्रीम कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब जो फ़ोन की स्क्रीन की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, आपको बढ़िया से कलर्स देखने को मिल जाते हैं और डिसेंट से व्यूइंग एंगल्स भी देखने को मिल जाते हैं। बात कर लें फ़ोन के OS की, फ़ोन में आपको MIUI 12 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। और अगर परफॉर्मेंस की बात कर लूँ इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है, तो इसमें यूज़ किया गया है डायमेंसिटी 700 चिप्स है। अभी जो डायमेंसिटी 700 चिप सेट है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, खास करके बजट सेगमेंट में जो स्मार्टफोन्स आते हैं 5G ऑफर करने वाले उनमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फेमस होता जा रहा है। काफ़ी सारी ब्रांड्स ने इसे यूज़ करा है, ओप्पो A53s 5G में आपको ये फ़ोन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, रेडमी की तरफ से आने वाला नोट 10 5G में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, रियलमी की तरफ से आने वाला 8 5G में भी ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये प्रोसेसर जो है एक तो काफ़ी केपेबल है, काफ़ी सही तरीके से लोड को हैंडल कर लेता है और जो इसकी 5G कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़िया हैं। साथ ही में फ़ोन ये जो प्रोसेसर है ये सस्ता है, इस वजह से तमाम स्मार्टफोन कंपनीज जो कि सस्ते 5G स्मार्टफोन्स निकाल रही हैं वो इस प्रोसेसर को यूज़ कर रही हैं। अब अगर इस प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आप ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें 2 कोर 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है कोर्टेक्स A76 आर्किटेक्चर के साथ में और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 2 GHz पर क्लॉक्ड है कोर्टेक्स A55 की आर्किटेक्चर के साथ में। अगर मैं इसमें GPU की बात करूँ तो GPU में इसमें दिया गया है माली G57 और स्टोरेज ऑप्शंस में इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि है 4GB RAM 64GB स्टोरेज या फिर 6GB RAM 128GB स्टोरेज। इसमें जो स्टोरेज टाइप यूज़ किया गया है वो है UFS 2.2 और जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X। अगर मैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, CPU परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, तो CPU परफॉर्मेंस आपको जनरली बढ़िया देखने को मिल जाती है, डे टू डे टास्क में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाता है फ़ोन और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग भी बहुत आराम से करवा देगा क्योंकि 700 चिपसेट जो है बहुत ही केपेबल प्रोसेसर है। आपको हाई सेटिंग्स पर तो इतना स्मूथ इसमें गेम प्ले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्मूथ या फिर मीडियम सेटिंग्स पर खेलना चाहें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा COD मोबाइल जैसे गेम्स में। तो प्रोसेसर की तरफ से तो फ़ोन बहुत बढ़िया है। फ़ोन का अगर कैमरा सेटअप की बात कर लूँ तो पीछे की तरफ इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिल जाता है और जो सेंसर यूज़ किया गया है इस प्राइमरी कैमरा में वो है ओमनी विजन का
और बाकी के जो दो कैमरा हैं वो दो दो मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ कैमरा है। तो जो मेन कैमरा है इसमें 48 मेगापिक्सल का ही है। और अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ में आने वाला एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इसके अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ लेता है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगती हैं, काफ़ी सही डिटेल्स कैप्चर कर लेती हैं। और जो इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार फोटो इसमें देखने को मिल जाते हैं आपको। और अगर इसकी नाइट शॉट्स की बात कर लूँ या फिर नाइट मोड में कैसा परफॉर्म करता है ये फ़ोन, तो नाइट मोड में भी काफ़ी ढंग का सब परफॉर्म कर जाता है। बाकी इस फ़ोन में आपको इस फ़ोन के कैमरा में आपको डायनेमिक रेंज काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ निकाल के दे देता है, एक्यूरेट कलर्स निकाल के देता है, और जो फोटोज़ होती हैं वो जनरली शार्प होती हैं। तो ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है फ़ोन की काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और अगर आप इसे 0 से 100 तक चार्ज करना चाहें तो पूरे इसे 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जो बैटरी बैकअप उसके बाद आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से ये फ़ोन दे देगा अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। पहले बात करेंगे प्रोज की। इसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है ये फ़ोन। OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप आराम से HD वीडियोस स्ट्रीम कर पाएंगे। एक्सेलेंट बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है इसमें, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी यूज़ करी गई है। स्पीकर क्वालिटी जो है वो इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, और जो इसकी UI है वो काफ़ी स्मूथ है। कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, और जो इसकी सेल्फीज़ है वो तो भाई साहब और भी बढ़िया देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कुछ कॉन्स की, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं। तो जो इसकी कमी है वो है इसका जो GPU परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम रखी गई है। इसकी जो प्रोटेक्शन है इसमें प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है आपको, कोई भी वाटर या फिर डस्ट रेजिस्टेंस इसमें किस तरह का या किस लेवल का देखने को मिलता है वो कंपनी ने कुछ क्लियर नहीं करा है, ना ही इसमें आपको कोई 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेसर है ये इतना केपेबल नहीं है, 4K वीडियोज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, या फिर इसकी GPU परफॉर्मेंस बेकार है, लेकिन कंपनी ने ये थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है फीचर्स, ताकि सस्ते से सस्ते में आपको 5G स्मार्टफोन दे दिया जाए। क्योंकि इस फ़ोन में जो मेन फोकस किया गया ना वो आपको सस्ते से सस्ते में 5G प्रोवाइड करवाने पे ज़्यादा फोकस किया है, बजाय इसके कि आपको जो फीचर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी मिली हो आपको वीडियो में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।